गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज हम लोगों का नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं और सभी अच्छे अच्छे काम जो आप लोगों ने सोचे हैं आपके मेहनत से आपको मिल जाए। और आज नवरात्र भी है तो नवरात्रि की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने सुबह नहा लिया है, मैं अभी करूँगी घर की पूजा और उसके बाद चलेंगे मंदिर। जी हाँ, आपके पास जो भी मंदिर है आपके घर के आसपास, आप वहाँ ज़रूर जाएं, माथा टेकें, अपनी संस्कृति से ज़रूर जुड़ें। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और मैं घर पे पूजा करूंगी, उसके बाद फटाफट से चलेंगे मंदिर। मेरे घर के जो नज़दीक मंदिर होगा मैं वहाँ जाऊंगी और आप भी ऐसा ज़रूर करें, आज के दिन ज़रूर जाएं मंदिर, पूजा करें और अपने संस्कृति को बचा के रखें। इसलिए यही अच्छे थॉट के साथ चलिए बिना किसी देरी के और पूजा स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सुकून मिला, मैंने पूजा कर लिया है, घर पे सब सोए हुए थे उसी वक्त मैं आ गई बाहर पूजा करने के लिए। मैंने सोचा कि वो लोग जब तक सो के उठेंगे तब तक हम लोग, मैं पूजा करके आ जाती हूँ। और बस मेरी पूजा हो चुकी है, आज तो धूप निकला है, लगभग 4 दिनों के बाद इतनी बारिश होती थी कि मैं क्या ही बोलूँ। सामने पटना जंक्शन है और आज धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली है, हो चुकी है मेरी। चलिए बिना बकवास से अब चलते हैं घर, पता नहीं वो लोग शायद उठ भी गए होंगे तो निकलते हैं, है ना। अभी हम लोग घंटी बजाएंगे। वापस आ गई हूँ मैं बहुत पहले, चाय पी लिया मैंने, प्रसाद खा लिया और आज चूँकि नया साल है तो घर में कुछ मीठा तो बनना ही चाहिए, है ना। तो मैं आज बनाने वाली हूँ नाश्ते में ही पूरी और खीर। जी हाँ, और आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए आज के दिन पूरी और खीर। नया साल है हम लोगों का तो कुछ मीठे से शुरुआत और अच्छे खाने से, सात्विक भोजन से शुरुआत तो होनी ही चाहिए, नवरात्रा भी है तो इसलिए। तो मैं जा रही हूँ अभी बनाने पूरी और खीर और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। और वैसे आज बिहार दिवस भी है, मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना, आज बिहार दिवस भी है तो आप सबको बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि बिहार प्रोग्रेस करे, फिलहाल अभी जो हाल है, खैर मैं नहीं बोलना चाहूँगी, ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहूँगी इस मैटर पे, यही मतलब तमन्ना है कि बिहार भी तरक्की करे, आगे बढ़े। और वैसे तो बिहार भी इस देश का ही हिस्सा है बट बहुत ख़राब लगता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि शायद बिहार अलग देश है, पता नहीं क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, रीज़न भी बहुत सारी है। बट इस मुद्दे पे मेरा ऐसा कुछ ब्लॉगिंग चैनल है, ऐसा कोई टॉपिक वाला चैनल नहीं है कि मैं इस पे बात करूं, बट हाँ आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूं। खैर छोड़िए, बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और चलते हैं हम लोग फटाफट से नाश्ता बनाने। आज तो मौसम लग रहा है थोड़ा बेहतर होगा, कल रात को तो बहुत 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 ही ज़्यादा बारिश हुई थी। नॉर्मली तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा प्रकृति को हमारे किसान भाइयों पे भी दया कर देनी चाहिए, ये टाइम बारिश का नहीं है, इससे फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फिर फसल नुकसान होगा तो कम होगा तो दाम बढ़ेंगे अनाज के और बाकी सब लोग उस सरकार को फिर ताना मारेंगे कि सरकार ने दाम बढ़ा दिया। इसमें सरकार क्या कर सकता है, जब सामान ही कम होगा तो ऑब्वियसली उसका दाम तो बढ़ेगा ही ना। बट हम लोग इतना डीपली नहीं सोचते, हम लोग तुरंत किसी के ऊपर उंगली कर देते हैं,
वैसे भी हम भारतीयों को उंगली करने की बहुत खराब आदत है, किसी को भी बिना जाने बिना समझे उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस फेस से गुजर रहा है, वो पर्सनली इंसान कैसा है, हम लोग तुरंत जजमेंट पास कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रकृति से भी यही विनती है कि थोड़ा वो भी दया करें। वैसे उनका भी दया ना करना कुछ खराब नहीं है, हम लोग भी कहाँ प्रकृति पर दया करते हैं। आए दिन पेड़ों की कटाई होती जा रही है, अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, तो ठीक है ना, फिर हम लोग क्या दोष दे सकते हैं। अगर गर्मी हो रही है या फिर बिन मौसम में ऐसी बारिश भूकंप आ रहे हैं तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। हम लोग जब अच्छा नहीं दे रहे हैं तो अच्छे की उम्मीद भी तो नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, बट हम लोगों को मिलना अच्छा चाहिए। भले हम लोग दे क्या रहे हैं उस पर कोई कभी भी जाहिर नहीं करता है, सबको यही लगता है कि हम सही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा से कहा गया है, हमारे ग्रंथों पुराणों में भी कहा गया है कि आप जो कीजिएगा जो दीजिएगा वही पाइएगा। तो बस हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं, तो बदले में वो भी तो वही देगा ना हम लोगों को, तो हम लोग ब्लेम कैसे कर सकते हैं। खैर काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण हो गया, चलिए चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं भाषण देती रह जाऊँगी बहुत लंबा भाषण हो जाएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग नाश्ता बनाने। खीर जो है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं अच्छा लाल है, कहीं नीचे लग ना जाए, आप देख सकते हैं चावल जो है अच्छे से गल चुका है, खीर जो है हमारी पूरी तरीके से रेडी है। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स अभी नहीं डाले हैं, मैंने दूसरी तरफ यहाँ पे कढ़ाई बैठा दिया है, इसमें हल्का सा घी डाला है। अब मैं थोड़ा सा जो है इसको फ्राई कर लेती हूँ फटाफट से, है ना, ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ, बस थोड़ा सा काजू किशमिश और थोड़ा सा सूखा नारियल है, तो पहले काजू को भून के निकाल लेते हैं। मैंने काजू को भून ही लिया है ऑलमोस्ट, और मैंने गैस अभी बंद कर दिया। अब इसमें डाल दूँगी मैं अपने किशमिश और ये रहा गरी सूखा नारियल, तो मैंने कट कर लिया है पहले से ही, बस तो इसमें चला देंगे हम लोग बैट से, और इसे हम डाल देंगे अपने खीर में। हमारा खीर रेडी है ना। मैंने निकाल लिए ड्राई फ्रूट्स और ये मैंने काजू को थोड़ा सा बेलना से मसल दिया है, है ना, इसको भी इसमें डाल लेते हैं हम लोग। मैं भून के ही ड्राई फ्रूट्स को ऐसे मसल लेती हूँ, काटने का जो है कलर कितना अच्छा रहा है ना, काटने का जो है वो मैं उतना लोड नहीं लेती हूँ, ऐसे भी हो जाता है। और बस अब हम इसमें डाल देंगे अपने और इसे चला देंगे, फिर तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है ही, इसे बस थोड़ा चला देंगे, दो मिनट के लिए पकाएंगे, बस हमारा खीर रेडी है। सिंपल मीठी खीर और गर्मा गर्म पूड़ी, है ना। खीर एक ऐसी चीज़ है ना, इसका ये सभी को पसंद होता है, मोस्टली सबको ही पसंद आता है, क्या बोलते हो, है ना, ये तो सकती हूँ केसर है क्या। हमारा खीर बन चुका है तो चलिए पूड़ियाँ भी बना ही लेते हैं। तो मैं आज की पूड़ी में थोड़ा सा नमक और ये अजवाइन डालूँगी, मेरे पास मिक्सी है तो मैं मिक्सी डाल देती हूँ, ये ख़राब नहीं लगता है, और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं एंड देन आटा गूंथते हैं और पूड़ी बनाते हैं, है ना। नाश्ता दे दिया जाए, है ना, क्योंकि ऑफिस आने का टाइम हो चुका है और मैंने सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाया है, सिंपली खीर और पूड़ी बनाया है, और ये अपने आप में एक भरपूर मील है, आपको पता ही होगा, है कि नहीं। चलिए नाश्ता दे के आते हैं। करा दिया है मैंने और अभी जा रही हूँ मैं बाहर कुछ काम से, बेटा का कुछ काम था तो जा रही हूँ, वो काम फटाफट निपटाना ज़रूरी है बाहर जाने से पहले, तो उस काम को करवा लेती हूँ, उसके बाद रिलैक्स हो पाऊँगी। अभी आई थिंक 11 बजने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं बिना। मैं 2 बजे आई हूँ बेटा का जो काम था उसको करके, और आने के बाद मुझे इतनी जोरों की भूख लगी थी,
मैंने खाना खाया और मैं आराम से 1 घंटे के लिए सो गई। अभी 4 बजने वाले हैं, मैं जा रही हूँ कपड़ा आयरन करना है। तो मैंने अपना दिन कुछ इस तरीके से बिताया। होप करती हूँ कि आपका भी नया साल बहुत ज़्यादा अच्छे से बीत रहा होगा। इसी अच्छे थॉट के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि आज बिहार दिवस है। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी बताया था, तो यहाँ पे गांधी मैदान में मेला लगा हुआ है, तो वहाँ भी जाना है, तो उसका ब्लॉग मैं न्यू स्टार्ट करूँगी। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस ब्लॉग को और लंबा नहीं करूँगी, इसको मैं यहीं एंड करूँगी ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। तो अच्छे से रहिए और बस खुश रहिए, सबके बीच प्यार बांटिए, और क्या बोल सकते हैं। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो